नहीं मिला और आ गया। टाइगर की आवाज आ रही है दोस्तों, टाइगर की। बस बस है बड़ा टाइगर, हम यहाँ से अब निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा। टाइगर किस वक्त भी हमला कर सकता है। भाग भाग भाई, भागो भागो भाई। Years later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों मैं आया हूँ अपने गांव के थोड़े से दूर जंगल वाले इलाके में। आपको नजर आ रहे होंगे दूर 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 तक पेड़ और जंगल नजर आ रहे हैं। जंगल यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बड़ा सामने जंगल खड़ा है। और यहाँ ना सिर्फ एक घर नजर आ रहा होगा आपको, और दूसरे सारे पेड़ है पड़े और हरी भरी फसलें हैं पड़ी, ये देखो सारी। और ना यहाँ जंगल है पड़ा पास में, उसमें ना टाइगर शेर वगैरह लोमड़ियाँ वगैरह और भी बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। और मैं सामने है पड़ा, तो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और सामने चल रही है ट्यूबवेल। और गर्मी हमारे पास हमारे इलाके में बहुत ही ज़्यादा है हमारे गांव में। और आज ना हमारे गांव में ना टेम्परेचर 45 पे चला गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सामने चल रही है बोर जिसे हम सराकी में ट्यूबवेल कहते हैं, वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा नहा लेते हैं। उसके बाद हम जंगल में जाएंगे शेर पकड़ने और टाइगर पकड़ने। चलते हैं और भाई गर्मी। दोस्तों मैं अपने गाँव की ट्यूबवेल पर आ चुका हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ना, ये वाली ट्यूबवेल ना सोलर प्लेट पे चल रही है। और मुझे बहुत डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जंगल पास में है, टाइगर और शेर वगैरह भी है पड़े। और चलते हैं और आप सोच रहे वो हमला भी कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं यार, वो भी मुझे भी पता है, आप सबको पता है। इसलिए मैंने ना ये वाला हथियार बनाया अपने जुगाड़ से, देसी जुगाड़ से। ये चेक करो, ये जिसे भी लग जाए ना उसका काम हो जाता है। पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद ही आपसे मिलता हूँ। गर्मी बहुत ही ज्यादा है। आ जाओ दोस्तों, अब कुछ मजा आ रहा है दोस्तों। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, ये बोर्ड लगा लेते हैं। मजा आ गया यार। फाइनली दोस्तों मैंने 20 मिनट लगाए हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा गर्म था और अब मैं फ़िलहाल के लिए ठंडा हो चुका हूँ। अब चलते हैं जंगल में। और ना ये मैंने ना कपड़ा लिया हुआ है, मेरा मोबाइल ना गर्म हो जाता है और पता है गर्मी बहुत ज़्यादा ना इसलिए मोबाइल गर्म हो जाता है। और ये कपड़े की ख़ास ज़रूरत है बड़ी, और ये ना होगी तो मैं जंगल में जाऊँगा, मेरा शिकार भी हो जाए वो अफसोस की बात होगी, पर वीडियो तो आनी चाहिए ना। चलते हैं जंगल में। और सामने ना तो जंगल में जाने के लिए हथियार पे तो लाजमी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये अपना देसी जुगाड़ बनाया है। ये मशीन वगैरह है पड़ी, जो भी जानवर आएगा उसे लगेगी, जो जंगली जानवर होगा। और जो देसी जानवर होते हैं वो तो आपको पता है हमला नहीं करते, जैसे वो हो गए हिरण वगैरह, इनको हम कुछ नहीं कहेंगे। और शेर वगैरह की हम वीडियो बना के वापस आ जाएंगे, वो हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे, बट वो नहीं करेगा तो हम आ जाएंगे। चलते हैं उन अंकल से पूछते हैं क्या बनती है। दोस्तों अपनी अंकल ना अपनी भैंसों को लेके ठंडी जगह में लेके जा रहा है, वो पानी में रेस्ट कर रही थी, ये वाली पानी में रेस्ट कर रही है, वो वाली पानी में रेस्ट कर रही है, एक ही जा रही है, एक भैंस यहाँ नीचे उतर गई है। दोस्तों अंकल की जो भैंसें थे ना वो पानी में रेस्ट कर रही थी, ठंडे ठंडे पानी में। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पूरा समंदर है पानी का, और यहाँ रेस्ट भी कर रही थी। और अंकल ने कहा यार यहाँ से ले चलता हूँ। अंकल की भैंसें थी ना, अंकल थे ना दोस्तों, अंकल की जो भैंसें थे ना वो रेस्ट कर रही थी पानी में ठंडे ठंडे, और अंकल धूप में खड़े। तो अंकल ने कहा इसको बैलों को ना ठंडे पानी में ले चलते हैं, और वो लेके जा रहे हैं। और जो हमने शेर का पूछना था वो यार हम नहीं पूछ पाए, और अभी चलते हैं जंगल में, देखते क्या बनते हैं हमारे साथ। तो एक भैंस यहाँ रेस्ट कर रही है, ये मुझे मारे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और दूसरी अंकल की भैंसें चली गई हैं और एक बच्ची थी ठंडे पानी में माहौल विजिट कर रही थी, और मैंने इसे भगा दी। अंकल इसको ठंडे पानी में लेकर जा रहा है, इस पानी से निकाल के दूसरे पानी में लेकर जा रहा है। और जंगल हमारे जैसे जैसे करीब आता जा रहा है ना, तो मेरे दिल की धड़कन भी धक धक करने लग गई है। और आपको पता है यार बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी से। और ना हम ना इंटर हो चुके हैं बड़े बड़े घास में, और इस घास में ना नाग वगैरह छिपलियाँ वगैरह
और बहुत ही कुछ जंगली जंगली जानवर इस हरे भरे घास में छुपे बैठे होते हैं। और मैंने ना अपने मेरी कमर के पीछे ना आपको उतारू का छोटा मैंने उठा लिया है। वो जो गिद्दड़ नहीं होते, गिद्दड़ जैसे हम लोमड़ी कहते हैं वो भी होती है यार, और किसी वक्त भी यहाँ से निकल से हमला कर सकती है। और मुझे अब एक एक कदम ना ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल जैसे जैसे करीब आ रहा है और वैसे वैसे परिंदे वगैरह बढ़ रहे हैं और जंगल जंगली वगैरह चलते हैं आगे। दोस्तों मैं इस हरे भरे घास में ना पूरा एंटर कर रहा हूँ। इस घास में ना मुझे अभी पता चला है इस घास में हिरण आती हैं, हिरण चुगने हैं वो अपने घास खाने के लिए। और मैं कहीं किसी जगह में ना छुप के उनको देखता हूँ, ना खास नज़र आ जाए हिरण उनको वो देखेंगे, पकड़ेंगे नहीं उन्हें, देखेंगे उनको तंग नहीं करेंगे, वो अपनी घास चल रही होती है ना। और यहाँ ना बहुत खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ना यहाँ देखो हरी भरी है, बड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है बड़ी, और यहाँ हिरण चुगने आती है और यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। और मुझे अभी पता चला है हाँ हिरण भी आती हैं और खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ना एक खुफा थी वो ख़त्म हो चुकी है। देखो दोस्तों ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, मुझे लगता है पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, यहाँ से तोड़ के देखते हैं भाई। इससे दूध आ रहा है दोस्तों, ये मुझे लगता है अक वाला है, जिसमें अक जिसे बोलते हैं, ये अक्सर बड़े बड़े प्लाटों में पाया जाता है। और इसमें होता है, इसमें ना यार एक चीज़ बताऊँ, इसमें ना सांप वगैरह छुपते हैं इस जगह में। और ना यहाँ में जी अभी कुछ सांप नज़र नहीं आ रहे, उसके ना कुछ क्या बोलते हैं उसकी गुफा नज़र आ रही है, सांप नज़र नहीं आ रहे अभी, क्योंकि धूप का टाइम है ना, तो 1 बजे का टाइम ना, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनको तंग नहीं करते, तंग करेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं ना यार। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों हम जंगल में एंटर हो चुके हैं, और हमें ना जंगल में एंटर होते ही हमें एक एक कदम ना ध्यान से रखना पड़ेगा। देखो कितना हरा भरा जंगल है पड़ा, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जंगल है पड़ा। और ये जंगल ना 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, और जंगल में आप दरिमान में चले जाओ ना तो आप खो जाएंगे। और ये वाला जंगल ना अंग्रेज़ों के ज़माने का है पड़ा, और यहाँ ना टाइगर वगैरह वो तो आम ही फिरते हैं, मुझे अभी पता चला। ये देखो इस इलाके में आपको अंदाज़ा हो गया होगा टाइगर तो आम ही फिरेंगे ना यार। अब ना मुझे ना यहाँ टाइगर और लोमड़ी की गुफा ढूंढनी है और आपको दिखानी है, उसके बाद निकल जाएंगे हमारे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और अभी निकलते हैं, और यार यहाँ ना मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, देखो यार कितना जंगल हरा भरा है, जंगल ना हरा भरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जंगल में ना बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है ना, तो यहाँ ना कुछ पेड़ ना सूख गए हैं पानी की वजह से, पानी नहीं मिला। और आगे टाइगर की आवाज़ आ रही है दोस्तों, टाइगर की आस पास है बड़ा टाइगर, हम यहाँ से अब निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा, टाइगर किस वक्त भी हमला कर सकता है। भाग भाग भाई, भागो भागो भाई, यहाँ से उठा लेते हैं, किस वक्त भी हमला कर सकता है, निकलो भाई। दोस्तों हमने जितना जंगल को थोड़ा कम स्पोर्ट किया है ना, जैसे हम जंगल में थोड़ा सा आगे गए हैं तो हमें ना टाइगर की आवाज़ आई है। आपने भी थोड़ा थोड़ा पीछे सीन लिया होगा, वो वाला सीन आप दोबारा देख लो, उसके बाद आपको बताता हूँ बड़ी की। देखते हैं क्या शेर की आवाज़ आ रही है दोस्तों, अभी यहीं कहीं है बड़ा शेर। फाइनली दोस्तों हम थक्का हार गए, अपनी ट्यूबवेल पर आ चुके हैं, तो इसी वीडियो का करते हैं अभी एंड, क्योंकि दोस्तों अगली बार ना हम ना बंदे लेके जाएंगे अपने साथ, और 8-9 बंदे लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि टाइगर को ना अगली वीडियो में हम पकड़ेंगे। पहले उसकी गुफा ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता, उसे ना जब गुफा में होगा ना तब पकड़ेंगे। तो इसी वीडियो को करते हैं एंड, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़ बाय।